नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि DSSSB के किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज की मंथली फीस के राउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट और इवन वीडियो कोर्सेज भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और स्पेशल के भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको 20% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, DSSSB का एग्ज़ाम हुआ था 2 सितंबर को, मैथ का जो एग्ज़ाम था TGT मैथ, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इससे जो और भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको भी ज़रूर हेल्प मिलेगी और कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और आप बिल्कुल भी भूल के भी ये गलती ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। तो आप वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट आया था, मतलब बेसिक था, जो रूटीन में आता है, जो पहले आए हुए हैं उसी टाइप से फर्स्ट पार्ट है। मतलब फर्स्ट पार्ट में किसी भी स्टूडेंट से मैंने नहीं सुना कि उनको कोई प्रॉब्लम थी। उन्होंने बोला कि GK में करंट अफेयर्स भी आई है, इसके बाद जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग वगैरह जो भी ये सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब बेसिक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद जो सेकेंड है और फर्स्ट में आप ध्यान रखें, करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर लें और GK को पढ़ लें, और इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग वगैरह जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिक हैं। मैथ और रीजनिंग में क्या है कि थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं है। क्वेश्चन जैसे आपको पता है, जैसे मैथ में ही टाइम एंड वर्क वाले इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं। और उसके बाद तो जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में सीरीज वाले जो क्वेश्चन हैं, इसके बाद रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं, मतलब जो नॉर्मल रीजनिंग है थोड़ा आप एडवांस पढ़ सकते हैं। तो इनके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स वाले हमारे पास अवेलेबल हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है जहाँ पे हम कुछ लिमिटेड नोट्स आपको फ्री भी प्रोवाइड करते हैं। करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे लगभग कई महीने के मिल जाएंगे, तो आप जुड़ जाइए, करंट अफेयर से आपके कई नंबर पक्के हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट साथियों कोई मतलब कोई दुख नहीं बनती, मतलब ये लगाइए TGT लेवल के जो बच्चे हैं उनको किसको पढ़ाना है। मतलब यहाँ पे जो सीधी बात आती है कि अगर DSSSB जॉब नहीं देना चाहता, और मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका मैंने कल बता दिया था, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ सभी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो बच्चे खुश नहीं थे उस चीज़ से। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि कितना भी ईजी एग्ज़ाम आ जाए, कई बार ऐसा होता है जो बच्चे नहीं पढ़ते वो तो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब बच्चों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो इस पेपर से खुश नहीं है। और आप ये समझिए, मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला जो जिसने कहा हो कि पेपर बहुत अच्छा सेट किया था। और यहाँ पे जो पहले क्या होता था, 11th 12th तो क्लास का मोस्टली पूछा जाता था, लेकिन अब की बार ग्रेजुएशन लेवल का बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे गए हैं और थ्योरम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और आपको पता है कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि एक दिन में पढ़ सकें। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन गलत पूछे हैं, अगर DSSSB उन चीज़ों को मेंशन कर दे कि हम इस लेवल से क्वेश्चन करेंगे तो मेरे हिसाब से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कि ये पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन DSSSB उनकी मजबूरी, उनकी प्रॉब्लम। और इनमें ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत सारे जो इस नौकरी से छूट जाएंगे, जो अपने आप को बिल्कुल समझ रहे थे कि हाँ हम पक्का सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन ऐसे में DSSSB जो क्वेश्चन सेट कर रहा है बहुत गलत है। तो आने वाले एग्जाम्स में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप सिर्फ एक चीज़ को बेस करके ना चले कि हाँ ये आएगा, उससे अलग भी आप नॉर्मल लेवल का भी और बहुत हाई लेवल का भी पढ़ के चलें जिनके पास टाइम है। क्योंकि अब जिनके पास टाइम नहीं है वो तो ये सोचे कि अगर हम सेकंड पार्ट में पास भी हो गए तो भी बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट पार्ट अभी तक तो उस लेवल का आ रहा है जो नॉर्मल है, मतलब कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कैंडिडेट्स को। तो आपके जितने भी एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं, और यही चीज़ें सेम स्पेशल वाले एग्जाम में भी हुई थी, तो
तो आप लोगों के पास जिनके पास भी टाइम है तो आप या जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप थोड़ा एडवांस पढ़ के चलें, ये नहीं कि कोई लिमिटेड। और रही बात जैसे अब थ्योरम वगैरह या मतलब जो भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ये चीज़ ऐसे नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है कि हाँ यहाँ से पूछ लेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ से पूछ लेंगे। तो मेरे हिसाब से DSSSB को अपना जो सिलेबस है वो मेंशन करना चाहिए कि हम कहाँ से क्वेश्चन लेंगे, और इसके लिए हम ज़रूर कोई मांग करेंगे। और मेरे हिसाब से बिल्कुल मांग उठनी चाहिए इस चीज़ के लिए, और मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आएँ, क्योंकि किसी के साथ भी ना हो। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और को पेपर था मतलब बहुत तो परेशान है बच्चे उससे, और जो खुश है देखो खुश भी हो सकते बच्चे, लेकिन ओवरऑल जो मैंने देखा है तो बच्चे बहुत परेशान थे। तो आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए जो चीज़ें मैंने बताई है, करंट अफेयर्स वगैरह जो मतलब रूटीन में एग्ज़ाम आता है उसी हिसाब से आप थोड़ा टाइम टेबल बना के प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।